तो ऐसा आज का ट्यूटोरियल है राधा कृष्ण थीम का, आप बड़े ध्यान से देखना वीडियो को तभी समझ में आएगा। ये है तो बहुत छोटा सा फ्रिज, बट इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फूर यूज किए गए हैं, तो आप थोड़ा गौर से देखना और पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और बहुत ही आसान भाषे में समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहला लाइन है, कैसे सारे सारे सा नी धनी सा, कैसे सारे सारे सा नी धनी सा। देखिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से जो है ना सा पे डायरेक्ट जम आता है ग पे, ठीक है, ज्ञा पे ग पे, लेकिन ग पूरा ग नहीं, ये वाला ग नहीं बल्कि ये वाला ग, कोमल ग, इसे आप हाफ ग भी बोल सकते हैं या फिर आधा ग भी बोल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हाफ ग या कोमल ग ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ग वाला होल है, ये ग वाला, आपको इसको ना तो पूरा खोलना है और ना ही जो है कि इसको पूरा बंद करना है, आपको बीच में रखना है, मतलब आधा खोलना है आधा बंद करना है, ये हो गया कोमल ग, ठीक है। लेकिन थोड़ा फील कर सकते हो ध्यान पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पूरा नहीं खोल रहा हूँ, आधा खोल रहा हूँ, ठीक है, आधा खोल रहा हूँ आधा बंद कर रहा हूँ, बस यहीं पे आधा बंद कर रहा हूँ आधा खोल रहा हूँ, यहीं पे ग रे ग रे ग यही कर रहा हूँ मैं, एक ही होल से दोनों दोनों सुर बजा रहा हूँ, आधा खोल रहा हूँ फिर बंद कर रहा हूँ, आधा खोल रहा हूँ फिर बंद कर रहा हूँ, तो इसी तरह बजेगा ये। देखिए मैं एक बार फिर से पूरी लाइन बता देता हूँ, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ ये वाला होल कैसे करता हूँ मैं, फिर मैं आपको इजीली दिख रहा होगा, मैं आधा आधा कर रहा हूँ, आधा बंद कर रहा हूँ आधा खोल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई पहली लाइन। तो फ्रेंड्स अगली लाइन है, रे पा पा रे धा धा रे नी धा पा मग रे सा नी धा नी सा, ठीक है, बजा के दिखाता हूँ। यहाँ तक आ गए, उसके बाद फिर से इसी लाइन को रिपीट किया गया, लेकिन अगली बार जो है वो सा से लिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार नोटेशन के साथ बता देता हूँ, बिल्कुल से पहली लाइन की तरह ही सेम है, बस लास्ट वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, देख लीजिए कितना डिफरेंट है। रे पा पा रे धा धा रे सा नी, यहाँ पे जो है कि रे से डायरेक्ट तार सप्तक का सा बजा देना आपको इस तरीके से, ठीक है, रे सा नी। देखिए फिर वही सेम चलेगा, बस आपको ये चीज रखना है, फर्स्ट वाले में जो है कि रे पा पा रे धा धा रे नी धा पा मग रे सा नी धा नी सा, ठीक है, यहाँ आते थे, लेकिन सेकंड वाले जो इसको रिपीट करेंगे, सेकंड वाली लाइन इसी को जो रिपीट करेंगे, तो उसमें होगा रे पा पा रे धा धा रे सा नी धा रे सा नी धा, ये जो सा बजेगा या तार सप्तक का बजेगा, डायरेक्ट तार सप्तक में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इस फ्लूट की ट्यूटोरियल, उसके बाद बाकी लाइन जो भी है वो बार बार इसी को रिपीट किया गया है, तो कुछ खास नहीं है इस लाइन में। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।